एक बार एक मूर्तिकार था, बहुत ही बड़ा मूर्तिकार, श्रेष्ठ मूर्तिकार। वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि सजीव दिखती थी, ऐसा लगता था बोल पड़ेगी अभी। विश्व के महानतम मूर्तिकार का उसे पुरस्कार मिला था। एक बार क्या हुआ, उसे आहट हुई कि यमराज मुझे लेने आ रहे हैं। उसे लगा मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नामक एक विशेष अवगुण विद्यमान था। उसने कहा मैं यमराज को भी अपनी कला से धोखा दे सकता हूँ। उसने अपनी ही जैसी 11 मूर्तियां बनाई और वैसे ही खड़ा हो गया, और जैसा खड़ा था वैसी की वैसी 11 मूर्तियां और थी। यमराज जब उसे लेने आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसको लें, अगर वो मूर्ति को तोड़ते हैं तो कला का अपमान होता है, और अगर वो नहीं लेके जाते उस व्यक्ति को तो नियम टूटता है। तभी उन्हें एक योजना ध्यान आई कि व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा अवगुण होता है अहंकार का, उसका इस्तेमाल करके मैं उस व्यक्ति को, उस चित्रकार को इन मूर्तियों के बीच में से ढूंढ सकता हूँ। उन्होंने जोर से कहा जो भी मूर्तिकार है उसने मूर्ति में कमी छोड़ दी, ऐसी कमी तो कोई मूर्तिकार, श्रेष्ठ मूर्तिकार छोड़ नहीं सकता। ये सुनना था कि वो मूर्ति के रूप में जो मूर्तिकार बैठा था वो खड़ा हो गया, बोले बताओ कौन सी कमी रह गई। सेवक प्रशांत भैया के प्रेरक प्रवचनों की पुस्तक एवं डीवीडी घर बैठे मंगवाने हेतु संपर्क करें 02946222222।